हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सेमी इंटरमीडिएट ग्रुप वन के लिए। सेमी इंटरमीडिएट ग्रुप वन के बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड प्लानिंग चाहिए, तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को आप वो कवर कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं वन बाई वन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल लेके आता हूँ। ये हमारा स्टडी मटेरियल है सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप वन की। इस स्टडी मटेरियल में 12 स्टडी नोट्स है एंड इसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट्स बताऊंगा जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एंड सबसे ज़्यादा रिविजन्स करनी है। बाकी सारे स्टडी नोट भी इम्पॉर्टेंट है, बट उसको आप थोड़ा कम भी रिविजन करोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टडी नोट वन बताऊँ। स्टडी नोट वन आपने ऑलरेडी 11, 12 फाउंडेशन में पढ़ा है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ फीडर है, बिकॉज सीएमए इंटर लेवल पे भी इसका क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर में आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ फीडर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रख सकता है और इसका क्वेश्चन सेपरेट भी आ सकता है और किसी क्वेश्चन के साथ भी आ सकता है, जैसे एनपीओ के क्वेश्चन के साथ भी आ सकता है। हो सके तो कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्वेश्चन आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, उस क्वेश्चन के साथ भी। तो सेपरेट भी आ सकता है और किसी के साथ भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टडी नोट टू है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, बिकॉज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, कहीं ना कहीं आपने फाउंडेशन में या फिर 11, 12 में भी आपने पढ़ा है। अगर जिन्होंने बीकॉम के थ्रू सीएमए ज्वाइन किया है तो उन्होंने बीकॉम में इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो इसको अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, बिकॉज ये टॉपिक आपको आता रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम पे मैंने इसलिए टिक लगाया है बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन डेफिनेटली मोस्टली ज़्यादा से आता है और बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ कि आप इसके ऊपर मोस्टली आप ध्यान देना अच्छे से, और इसका क्वेश्चन 8 to 10 मार्क्स तक का आ सकता है। ओके, 8 to 10 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपने ऑलरेडी बहुत बार अपने 11, 12 में या फाउंडेशन में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ, यहाँ पे बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट आपको समझना चाहिए, बिकॉज बैड डेब्ट्स का क्वेश्चन आ सकता है, अलग से भी आ सकता है और किसी के साथ भी आ सकता है, तो आप बैड डेब्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो हम बैड डेब्ट्स की प्रोविजन पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेपरेट भी आ सकता है और किसी के साथ भी आ सकता है। बाकी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बहुत बार अपने कर चुके होंगे। नेक्स्ट, ये सेक्शन जो आपका, ये 3 चैप्टर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंटर लेवल पे, बिकॉज एनपीओ का क्वेश्चन अगर आएगा तो 10 to 15 मार्क्स का आ सकेगा, ये भी 10 to 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन इसका भी आता है एंड इसका भी 10 to 15 का आता है। अगर मैं आप पूछोगे तो पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इंसॉल्वेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको फोकस ज़्यादा देना है। बाकी आप यहाँ से छोड़ सकते हो, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है तो आप इसको कर लेना जरूर, बिकॉज इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं सेल्फ बैलेंसिंग के, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है इसमें, 2-3 बस लेजर्स ही बनाने होते हैं जो आप आराम से बना सकते हो। हायर परचेज को आप इम्पॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी आप इसको कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा स्टडी नोट है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, अगर इसमें पूछो तो इसमें ब्रांच अकाउंटिंग काफ़ी बड़ा है, तो पहले आपको ना एग्जाम के पास ट्रेंड देखने चाहिए कि कौन से ब्रांच अकाउंटिंग में, जैसे डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसके ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उस पोर्शन को आपको ज़्यादा कवर करना है। जैसे मेरे टाइम में क्या था, डिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, उसके 4-5 लेजर बनते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने डिपेंडेंट ब्रांच को ज़्यादा अच्छा से किया था कि मैं उसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ एग्जाम में, लेकिन वो आया नहीं जब मैंने पेपर दिया, बट वो आते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग थोड़ा सा है, आप इसको भी आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज पेपर देखो, मैं आपको अभी बताऊँगा आगे की प्लानिंग कैसी है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है,
तो इसको आप एक दो बार रीड कर लेना कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो एटलीस्ट। बाकी ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी 10 to 15 मार्क्स का कवर करता है। अब बात आती है आप कौन कौन से टॉपिक को आप छोड़ सकते हो और किसे आप कर सकते हो। जो देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो 120 to 130 मार्क्स का आता है और जिसमें से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैं जब मैंने पेपर दिया था इंटर में, फाइनल में, इंटर ग्रुप 1 2 फाइनल में भी जो भी मैंने पेपर दिया, तो मैंने कभी 100 का टारगेट नहीं किया कि मुझे 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बिकॉज जब आप ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओ तो गलतियाँ होने के चांसेस भी बढ़ सकती है। तो मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे 80 नंबर लाने हैं अकाउंट में, मुझे 70 नंबर लाना है, बस मेरा टारगेट यह था कि मेरा 60 मार्क्स भी आ जाए, 55 भी आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैंने हमेशा 80 to 85 मार्क्स का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। उससे रीजन क्या हुआ कि मेरे पास जो मैंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने स्किप किया उसके टाइम्स मेरे पास अवेलेबल हो गए। अब मैं इस 100 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं जो भी मैंने 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके लिए मेरे पास प्रॉपर टाइम है। तो आपको करना क्या है, आपको 80 मार्क्स टू 85 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड उसको सॉल्व कितने आवर में करना है, 2.5 आवर्स में आपको क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है। हाफ आवर आपके पास होना चाहिए सारे सॉल्यूशन करने के बाद। हाफ आवर में आप क्या करोगे, ये जो आपके पास 0.5 आवर्स होंगे इसमें आप अपने सारे क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज करोगे कि आपने सही तरीके से प्रेजेंट किया कि नहीं, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर है कि नहीं। बिकॉज मैंने खुद में रिलाइज किया था, मैं जब ग्रुप 2 में आया था तो ग्रुप 2 में मैं 247 मार्क्स आए थे, उस टाइम मैंने किया क्या कि मैंने 2.5 आवर्स में मैंने हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर को मैंने सॉल्व किया एंड लास्ट हाफ आवर्स में मैं अपने सारे क्वेश्चन के आंसर को मैं देखता, उसके कैलकुलेशन को दोबारा करके देखता कि कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं रहेगा। बिकॉज होगा क्या, अगर आपने क्वेश्चन सही भी बनाया होगा और आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो आपके नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेज है। तो इसलिए आपका कैलकुलेशन एरर को भी आप चेक कर लो। या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है कि हम फ्लो फ्लो में बोलते बोलते कभी हम ऑफ लिखना भूल जाते हैं, टू लिखना भूल जाते हैं, कुछ भी छोटे छोटे चीज़ें ना भूल जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम करता है और उसकी वजह से नंबर्स हमारे कटते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 100 में 100 अटैम्प्ट करके आओ, आप 80 मार्क्स भी अटैम्प्ट करके आओ, बट आप 2.5 आवर्स में आपका 80 मार्क्स का अटैम्प्ट होना चाहिए। जब हाफ आवर में आप सबको रिकॉल कर लो, फिर टाइम बचता है तो आप बैलेंस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है। अब आपको क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल अपना, अगर आप स्टडी मटेरियल से कर रहे हो तो आप स्टडी मटेरियल अपनी कंप्लीट कर लो, अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो आप रेफरेंस बुक को आप कंप्लीट कर लो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, स्टडी मटेरियल जब आपके कंप्लीट हो जाए फिर आप क्या करो, आप स्कैनर स्कैनर हो गया MTP एंड स्टडी मटेरियल भी मैं लिख ही देता हूँ, ये मोस्ट एलिमेंट है आपके पास आउट करवाने में। तो आपका जब स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाए तो आप स्कैनर उठा लो, फिर आप स्कैनर के क्वेश्चंस देखो पार्टिकुलर चैप्टर वाइज स्कैनर करके, फिर आप MTP देखो। देन फर्स्ट टाइम जब आपका स्टडी कंप्लीट हो चुका हो फिर बात आती है रिविजन की, रिविजन कितने टाइम्स करने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग रिविजन 4 to 5 टाइम्स करने चाहिए और 4 to 5 टाइम्स में क्या होता है कि आपको लिख के आंसर सॉल्व करना है, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन रख लिया सामने और आपने आंसर बुक सामने रख लिया एंड फिर आप रिवाइज करो, इस तरीके से रिविजन नहीं करना है। आपको क्वेश्चन सिर्फ सामने रखना है और एक अलग से कॉपी लेनी है जिसमें आप आंसर उसके खुद से करके देखो एंड फिर आप अपने आंसर को मैच करो। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम ज़्यादा लगे इस प्रोसेस में, बट उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपके एग्जाम में एरर्स होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, ओवर राइटिंग मिस्टेक्स की चांसेस बहुत कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने किया था अपने टाइम में जिसके वजह से मेरे ग्रुप 2 में अकाउंट्स में 67 भी आया था और मेरे पेपर्स में मिस्टेक्स होने की चांसेस खत्म होने लगे उसके बाद। फिर मैं ग्रुप 2 भी इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला, फिर मैंने फाइनल बोथ ग्रुप दिया, वहाँ भी मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। एक ग्रुप रह गया था वो SFM की वजह से, उसके पीछे रीजन्स था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था जितना मुझे करना चाहिए था, नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो भी क्लियर हो गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ग्रुप 1 में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मैं थर्ड अटैम्प्ट में जाके ग्रुप 1 क्लियर हुआ था, उसके पीछे यही रीज़न था कि मैंने प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं किया, मैं एग्जाम में भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाता था। वो 3 आवर्स का मैं जो क्या बोलते हैं जो टेंशन होता है 3 आवर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको मैं हैंडल नहीं कर पाता था। तो जब मैंने इतने ज़्यादा प्रैक्टिसेस किए तो वो सारे चीज़ें ना रिलाइज होने, मतलब हैंडल करने का एक अंदर से मतलब एक इनबिल्ट क्वालिटी जनरेट होने लगी, तो मुझे एग्जाम में फिर कभी एग्जाम का फियर नहीं फील होता था। मेरे हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आ जाता था तब मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करता था क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
तो ये सारी चीज़ें मैंने की, इसलिए मेरा फिर बाकी सब कुछ अच्छा हुआ। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ें करो। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखो हर एक चैप्टर में से आप 5 to 10 क्वेश्चन, अगर देखो बड़ा चैप्टर है तो 10 क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है जैसे सेल बैलेंसिंग है तो उसमें 10 क्वेश्चन को तो आप शॉर्टेज नहीं कर सकते ना, वहाँ 4 to 5 क्वेश्चन बहुत हो गया सेल बैलेंसिंग का। तो आप 10 क्वेश्चन को आप शॉर्टेज करो बड़े चैप्टर में, और छोटे चैप्टर में आप 5 क्वेश्चन, ओके 5 क्वेश्चन को आप शॉर्टेज करो। देन रिविजन कैसे करोगे, रिविजन जब आप फर्स्ट टाइम रिविजन करोगे तो इस 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन करोगे, एंड इसमें से भी आप 2 कर लो बहुत हो गया। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये जो आपने 5 किया था, अब इस 5 को नहीं करोगे, आप नेक्स्ट 5 को करोगे, और यहाँ पे फिर बैलेंस 3 को कर लो। फिर नेक्स्ट टाइम आओ तो आप पहले जो आपने 5 को स्किप किया था आप उसको करो। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने में, रिविजन करने में टाइम भी कम लगेगा, और आपका रिविजन भी बहुत होगा, और आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा कि आप इजी क्वेश्चन को कभी भी शॉर्टलिस्ट मत करना, जितना टफ से टफ और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसको आप शॉर्टलिस्ट करना। बिकॉज अगर आपको 10 किलोमीटर दौड़ने की आदत है तो आप 5 मिनट आप दौड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको 5 मिनट दौड़ने की आदत है, अगर आपको बोला जाए 10 मिनट दौड़ने की, तो आप नहीं दौड़ पाओगे। सेम लाइक दिस, अगर आपने टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत है तो एग्जाम का क्वेश्चन आपको कभी टफ नहीं लगेगा, आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। मेरे केस में यह था कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता था, इसलिए मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट और ट्रिकी नहीं लगते थे। तो होप सो आप सबके प्लानिंग समझ में आई होगी, किस तरीके से रिवीजन करना है, कितने टाइम रिवीजन करना है आपका। हाँ, अब लास्ट आता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बोलूँ, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है जब आप प्रेजेंट करने जाते हो, तो इसमें हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करते हैं सारे वर्किंग हम उसी में कर देते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ मैंने पार्टिकुलर्स लिख दिया एंड यहाँ मैंने अमाउंट लिख दिया। देखो अमाउंट के साथ ना रुपीज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टिंग में भी और अकाउंट में भी, बिकॉज फिगर्स इन रुपीज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके नंबर्स कटने के यही भी चांसेस होते हैं। अगर आपका एग्जेम्पशन नहीं आ रहा तो उसके पीछे भी यही रीजन होता है। ये छोटे छोटे चीज़ें बहुत मैटर कर जाता है। अब आपने पार्टिकुलर अमाउंट लिखा, अब सपोज यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी आपका एलिमेंट आ रहा है, ओके तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे ब्रैकेट लगा लगा के कैलकुलेशन कर देते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कैलकुलेशन करो, आप यहाँ पे वर्किंग नोट डालो। आप ऐसे भी डाल सकते हो WN1, मैंने कर रखा है WN2, WN3, एंड फिर आप यहाँ पे नोट्स लिखो एंड यहाँ पे फिर आप WN1 लिख के, और फिर आप इसका कैलकुलेशन करो सेम लाइक दिस WN2 WN3, और फिर सबका रेफरेंस लिख के आप यहाँ पे अमाउंट लिखो, यहाँ टोटल को फिर डबल इक्वल टू करो, अमाउंट का साइन इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी वर्किंग नोट में गलती हुई तो उसके वजह से आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। बिकॉज अगर आपने यहाँ कोई कैलकुलेशन किया, अगर यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गया, सपोज 3 लिखना था आपने 2 लिख दिया, अब आप इसको 3 करने के लिए क्या करोगे, कुछ बच्चे तो इसी को 3 बना देते हैं, ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें आपको समझ में आए लेकिन जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसे ना समझ में आए, तो उसको आप ऐसे मत करो, इसको आप सीधे आप कैंसिल करके आप इसको 3 लिख दो, ऊपर लिख दो, ठीक है। तो ये गलतियाँ अगर होगी तो आपका कहीं ना कहीं आपका कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपको ये मतलब सजेशन दूंगा कि आप वर्किंग नोट में डालो, वहाँ गलतियाँ करो तो चल जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन में फेयर में गलतियाँ मत करना, ठीक है। और अगर मेरे तरीके से चलोगे, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली आप गलतियाँ नहीं करोगे। होप तो आप सबको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मैक्सिमम नंबर तक आप स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए सारे वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ आप सबके लिए। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।